बॉलीवुड इंडस्ट्री से फिर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री तनुजा की हालत अचानक ही बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के जुहू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तनुजा इस वक्त आईसीयू में हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से ही अस्पताल में एडमिट कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं और उनकी हालात को स्थिर बता रहे हैं, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि 80 साल की अभिनेत्री तनुजा फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र बनाई हुई है। एक्ट्रेस काजोल देवगन की माँ को उम्र संबंधी दिक्कतों के कारण आईसीयू में रखा गया है। एक्ट्रेस तनुजा किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उन्होंने कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया है। तनुजा गुजरे जमाने की स्टार शोभना समर्थ और निर्माता कुमार सेन समर्थ की बेटी हैं और नूतन की बहन हैं। एक्ट्रेस ने 16 साल की उम्र में ही फिल्मों में डेब्यू कर लिया था। बात करें एक्ट्रेस की फिल्मों की तो बहारें फिर आएंगी, ज्वेल थीफ, हाथी मेरे साथी और मेरे जीवन साथी जैसी फिल्मों में उनके काम को बहुत पसंद किया गया। तनुजा ने कई बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। इसी के साथ सोमू मुखर्जी से तनुजा की मुलाकात फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर हुई थी। दोनों ने साल 1973 में शादी कर ली और काजोल और तनीषा जैसी दो खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया।